चलो भाई, तो सुबह हो चुकी है और यार ये पानी की आवाज कहाँ से आ रही है यहाँ पे, एंड हम लोग कहाँ हैं? अबे यार गाइज, हम लोग तो यार एक समुद्र में हैं और यहाँ कब आए हम लोग? भाई देख सकते हो यार, ये बस एक छोटा सा राफ्ट है जिसके ऊपर हम लोग फंसे हुए हैं। लेकिन भाई हुआ क्या यार पिछली रात की हम लोग यहाँ पे आ गए हैं? भाई सेट यार, आसपास कहीं कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, एंड यार यहाँ पे तो हम लोग पानी में गिर गए। सेट यार फ्रैंकलिन, जल्दी ऊपर चढ़ जाओ भाई, इस पानी में काफ़ी सारे शार्क होंगे। एंड यार टाइम कितना हो रहा है? तो गाइस सुबह के तो अभी 9:30 बज रहे हैं, लेकिन यार हम लोग यहाँ कैसे आए कुछ समझ नहीं आ रहा है, एंड मेरे पास कोई भी वेपन भी नहीं है। बस भाई एक हमारे पास नाइफ है जिससे शायद से हम लोग खाना पीना खा सकते हैं। एंड यार ये यहाँ पे चेयर क्यों है? क्या हम लोग इस पे बैठ सकते हैं? चलो गाइस ट्राई करते हैं यार इस पे हम लोग बैठ सकते हैं या फिर नहीं। एंड यहाँ पे ये फ्रैंकलिन बैठ तो गया इस पे, एंड यार हम लोग तो इसे चला भी सकते हैं। क्या बात है भाई, ये सही यार, एटलीस्ट हम लोग इसे ड्राइव कर सकते हैं। पर मुझे समझ नहीं आ रहा यार हम लोग जाएं किस तरफ, यहाँ तो चारों तरफ भाई पानी ही पानी दिख रहा है, कहीं भी लैंड नहीं है। एंड यार यहाँ GTA 5 का मैप पे हमें कुछ भी नहीं दिख रहा है। गाइस हम लोग बहुत बुरा फंस गए हैं और हमें कुछ ना कुछ करके भाई जिंदा तो रहना होगा। आसपास भाई कोई शिप मिल जाए हमें या फिर कोई आइलैंड मिल जाए तो हम कुछ कर सकते हैं, लेकिन भाई वो मिलना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। चलो यार ढूंढना हम लोग शुरू करते हैं। और भाई यार मुझे भूख भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ लग रही है, तो सबसे पहले भाई हम लोग किधर चले यार, मुझे तो डायरेक्शन का भी कुछ पता नहीं है। चलो भाई किसी भी तरफ हम लोग मूव करते हैं थोड़ी देर और देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो गाइस हम लोग यार काफ़ी दूर आ चुके हैं और मैं ये सोच रहा था यार अगर हम लोग किसी को यहाँ पे कॉल कर पाएँ तो काफ़ी अच्छा होगा। तो चलो भाई एक बार हम लोग इमरजेंसी सर्विस पे कॉल करते हैं, लेकिन ये क्या भाई, यहाँ तो नो सर्विस लिख रहा है। इसका मतलब कि भाई हम लोग पूरी तरीके से फंस चुके हैं। लेकिन भाई हमें एक आइलैंड यहाँ पे दिखाई दिया है और भाई मुझे डर है कि अगर वहाँ पे कोई जानवर हुआ तो दिक्कत हो सकती है। लेकिन भाई इतनी दूर आखिर जानवर मिलेगा कैसे, या कोई भी क्यों ही मिलेगा? हम लोग यहाँ पे चलते हैं एंड देखते हैं भाई, हम लोग को सर्वाइव तो करना ही पड़ेगा किसी भी तरह। तो फटाफट भाई उस आइलैंड पे पहुंचते हैं, एंड यार ये बोट हमें मिल गई, यही शुक्र है, क्योंकि अगर हम लोग को ये नहीं मिली होती, यानी कि भाई ये जो राफ्टिंग वाला सिस्टम है ये नहीं मिला होता, तो हम लोग तो वहीं फंसे रह जाते। एंड ये काफ़ी छोटा सा आइलैंड लगता है यार मुझे। चलो भाई चल के देखते हैं आखिर वहाँ पे क्या मिल सकता है हमें। एंड यार एक बार हम लोग यार सर्राटे से देख लेंगे कि कहीं इस पे कुछ है तो नहीं। वैसे गाइस यहाँ दूर से तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है मुझे, एंड हम लोग को यार अंदर चल ही जाना चाहिए। तो चलो हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर चलते हैं। और भाई इस बोट को कैसे मैं चढ़ाऊँ यार इसके ऊपर? भाई यार इस पे चढ़ाना भी एक काफ़ी ज़्यादा मुश्किल टास्क है, एंड हम लोग यहाँ पे इसे इस पे रख चुके हैं। चलो गाइस अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे करके। फ्रैंकलिन जंप लगा दो, बहुत सही। एंड एक मिनट भाई, वहाँ यार आप लोग को एक बोट दिखाई दे रही है दूर में। भाई लगता है कि इस आइलैंड पे कोई तो है। भाई सच में यार यहाँ कोई तो है, यहाँ पे देख सकते हो भाई काफ़ी सारी पॉटी भी गिरी हुई है। भाई यहाँ पे इतनी सारी पॉटी कौन किया है यार? भाई मुझे इस समय हंसना तो नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ कोई भी हो सकता है। एंड वहाँ देखो दूर में भाई, वहाँ फायर भी जल रहा है। गाइस यहाँ पक्का कोई इंसान रह रहा है। भाई मुझे बिल्कुल संभल के रहना होगा, हो सकता है भाई वो काफ़ी दिन से भूखा हो और भाई वो हमें ही मार के खा जाए। भाई एकदम संभल के हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं, एंड आसपास यहाँ भी कोई दिखाई तो नहीं दे रहा है। ये शायद से भाई यहाँ पे खेती हुई है और मेरे ख्याल से वही बंदा किया है जो यहाँ पे रहता है। एंड देखो भाई ये छोटी सी बोट है, शायद से भाई इस पे निकल के वो फिशिंग करता होगा या कुछ काम से निकलता होगा, मुझे इसका आइडिया तो नहीं है। भाई यहाँ से हम लोग एकदम छुप के चलते हैं आगे, एंड एक हट टाइप भी यहाँ पे दिख रहा है। भाई ये ऐसे पेड़ में छुपा हुआ है कि बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा है। धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, एंड यहाँ कुछ था भाई यार, मुझे लगा अचानक से कि यहाँ कोई चीज़ तो थी। लेकिन गाइस एक मिनट यार, हम लोग अपने हाथ में ये चाकू ले लेते हैं अपनी सेफ्टी के लिए, और भाई देखते हैं इस टेंट में कोई है क्या। गाइस यहाँ पे ये आग जल रही है, एंड यार यहाँ पे मुझे किसी का पैर दिखाई दे रहा है। एंड ये यहाँ पे भाई, गाइस ये यहाँ पे मर गया है क्या? एक मिनट भाई, इसके पैर पे हम लोग चढ़ते हैं, एंड ये तो भाई यहाँ पे मूव ही नहीं कर रहा है। भाई मुझे लगता है कि ये यहाँ पे जिंदा नहीं बच पाया। एंड यहाँ एक मैट्रेस भी ये रखा था सोने के लिए। एंड ये क्या भाई, यहाँ तो एक बैग भी है।
गाइस मुझे लगता है कि इसमें कुछ खास होगा, हम लोग इसे उठा लेते हैं। तो गाइस इस बैग को हमने ले लिया है एंड यहाँ देख सकते हो भाई एक बॉक्स भी है जिसमें यार एक्स है और फ्लेयर गन है, लेकिन भाई उसके होते हुए भी ये बंदा नहीं बच पाया यार, फिर हम लोग यहाँ कैसे सर्वाइव करेंगे। गाइस इस छोटे से आइलैंड पे सर्वाइव करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। एंड यहाँ भाई ये पेड़ वगैरह भी काटता था भाई, शायद से यही पेड़ काट के वो बोट बनाया है जो भाई वहाँ रखी हुई है। एंड ये देखो यार यहाँ आस पास कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है भाई, बहुत गलत फंस गया यार यहाँ पे फ्रैंकलिन, ये सब कैसे हुआ? अगर मुझे पता चला तो भाई मैं तो उस बंदे को छोड़ूंगा नहीं। एंड एक मिनट भाई यहाँ देखो गाइस, ये तो यार एक फिशिंग रॉड है। चलो भाई ये अच्छा हुआ यार कि एटलीस्ट हमें एक फिशिंग रॉड मिल गई है। तो चलो गाइज हमने इस फिशिंग रॉड को उठा के इस बैग में रख लिया है। एंड यार यहाँ पे इसने कुछ खेती भी की है, चलो इससे भी हमें कुछ खाने को मिल जाएगा, लेकिन भाई पीने को पानी कैसे मिलेगा? गाइज ये तो काफी बड़ी प्रॉब्लम है यार, पानी का यहाँ पे बंदोबस्त नहीं हो पाएगा क्योंकि गाइज आस पास जो भी पानी है वो सारा भाई नमकीन पानी है, समुद्र का पानी भाई पीने लायक नहीं होता है, आप लोग को तो पता ही होगा। तो चलो यार सबसे पहले तो हम लोग फिशिंग करने चलते हैं। एंड हमारी बोट कहाँ गई यार, हमने कहाँ पे लगाया था याद ही नहीं आ रहा है मुझे। गाइस शायद से इसी तरफ कहीं तो पार्क किया था हमने। चलो भाई तो फाइनली हमें ये राफ्ट तो मिल चुकी है और भाई इसे खोजने में हालत खराब हो गई, पूरा आइलैंड हमें गोल चक्कर घूमना पड़ा भाई, ये पानी के बहाव में कहीं बह गई थी। चलो गाइस फाइनली ये हमारे पास आ चुकी है और इस बैग में भाई पहले से एक फिश भरी हुई है। चलो गाइस ये सही है, लेकिन एक फिश से हमारा पेट तो नहीं भरने वाला है, तो हम लोग भाई यहाँ पे थोड़ी फिशिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ गाइस हमने इस F5 को प्रेस कर दिया है एंड फ्रैंकलिन यहां पे भाई फिशिंग करना शुरू कर दिया। देखते हैं भाई हम लोग क्या पकड़ते हैं, और बड़ी देर हो गई यार अभी तक कुछ नहीं आया। ऑलराइट थोड़ा सा और वेट करना, और ये क्या भाई, ये किसे यार पकड़ के ले आ दिया है यार? गाइस ये कोई पुलिस वाले की डेड बॉडी थी गाइस जो कि इस पानी में गिरी हुई थी, शायद से भाई वो यहां पे आया था क्या? गाइज ये तो और भी ज़्यादा मिस्टीरियस होता जा रहा है यार। गाइज एक बार और देखते हैं, हम लोग इस बार फिश मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा क्योंकि गाइज अभी काफ़ी ज़्यादा भूख लगी है फ्रैंकलिन को। तो चलो गाइज यहाँ पे यार कुछ भी नहीं मिला, यू डिडंट कैच एनीथिंग, तुमने देखा ही नीचे लिखा था। तो दोबारा से यहाँ पे हमने फिशिंग स्टार्ट कर दी है एंड इस बार क्या मिलता है भाई, ये सब क्या निकाल रहा है भाई, मुझे फिश चाहिए। ये पता नहीं क्या क्या भाई, कभी डेड बॉडी निकाल दे रहा है तो कभी भाई ये एक कौन सी गाड़ी थी, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, पर भाई कोई ये व्हीकल थी। चलो भाई फाइनली इस बार हमारे पास एक फिश आ चुकी है और यहाँ बैकपैक में आप लोग देख सकते हो 2 लिख गया है, इसका मतलब कि हमारे बैग में अब 2 फिशेस हो चुकी हैं। चलो भाई थोड़ी और भी पकड़ते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से यार हम लोग आइलैंड पे खड़े खड़े भी तो पकड़ सकते हैं। चलो इसे हम लोग यहीं लगाते हैं सबसे पहले पीछे, फालतू में भाई हम लोग बोट पे आ गए और इतना मेहनत किए इसे ढूंढने के लिए। तो यहाँ गाइस हमने इसे पार्क कर दिया है एंड हम लोग गाइस इसके ऊपर चढ़ जाते हैं एंड यहाँ से मेरे ख्याल से सही रहेगा पकड़ना। तो गाइस इस लोकेशन से आप देख सकते हो यहाँ फ्रैंकलिन फिशिंग कर रहा है, और देखते हैं भाई इस बार हमारे पास क्या आती है। बहुत सही फ्रैंकलिन, ले आ दो यार इस बार कुछ खाने को ले आ दो बढ़िया सा। और इस बार देख सकते हो एक बड़ी सी फिश हमारे पास आई है एंड ये कौन सी फिश है गाइस, यहाँ कोई नाम लिखा था मैंने देखा नहीं जल्दी में। और एक बार और फिशिंग करते हैं भाई, फिशिंग करना कितना मस्त लग रहा है यार, एकदम आराम से बैठ जाओ एंड यहाँ फ्रैंकलिन हमारे लिए मछलियाँ पकड़ते रहेगा। एंड इस बार हमें एक अमेरिकन सोल मिली है जो भाई काफ़ी ज़्यादा महंगी है, तो हमारे बैग में देख सकते हो अभी 4 फिशेस आ चुकी हैं एंड इतने में मेरे ख्याल से यार फ्रैंकलिन का पेट तो भर जाएगा। तो चलो गाइज अब हम लोग यार चलते हैं उस टेंट के पास, एंड टाइम कितना हो गया, तो गाइज यहाँ लगभग यार 2 बजने वाला है। और इस डेड बॉडी को हम लोग यहाँ से हटाते हैं यार, इस बूढ़ों को हटाएंगे तभी हम लोग वहाँ पे सो पाएंगे। तो गाइज हमने यार इस आदमी को उठा लिया है और बड़ा भाई भारी सा है ये, तो चलो यार इसे हम लोग कहीं दूर रख देते हैं, ऐसा करते हैं इसी पॉटी में रख दें क्या भाई, इतनी गंदगी यहाँ पे ये मचाया है। नहीं यार भाई इतना भी इसके साथ गलत नहीं करना चाहिए, हम लोग क्या करते हैं गाइस इसे हम लोग यहाँ से किनारे पे रख देते हैं ताकि भाई पानी इसे बहा के ले चल जाए। तो गाइस हमने यार इसे यहाँ गिरा दिया है एंड ये पानी में चला गया,
चलो भाई ये सही हुआ है, इसे हमने पानी में भेज दिया और अब हम लोग जाते हैं भाई थोड़ा खाना वाना पकाते हैं। भाई यहाँ सर्वाइव करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने वाला है और भाई रात भी होने वाली है यार। तो गैस अब हम लोग क्या करते हैं यार, खाना पकाना थोड़ी देर के लिए रुकते हैं और सबसे पहले थोड़ा सा आराम करते हैं। और भाई ये क्या हुआ यार, गैस सुबह हो चुकी है। भाई हम लोग 3 बजे से सोना शुरू किए थे और अभी का टाइम देखो गैस सुबह के 5:30 होने वाले हैं। भाई साहब यहाँ पे हम लोग यार दिन भर रात भर हम लोग सोते ही रह गए, शाम को सोना शुरू किए थे और पूरी रात सोए रहे। भाई फ्रैंकलिन इतना ज़्यादा थक गया था, आप लोग सोचो। भाई मेरे ख्याल से अब मुझे कुछ खाना पकाना चाहिए। तो गैस इसी बैग में एक स्टार फिश था तो उसको भाई हमने इस आग पे रख दिया है। जितनी देर में भाई ये गर्म होके यार पक जाएगा तब तक गैस हम लोग लकड़ियों से कुछ बनाते हैं, क्योंकि इसी डब्बे में आप लोगों ने देखा कि इसमें एक एक्स था। तो गैस इस एक्स को हमने ले लिया है और अब यार हम लोग कोई पेड़ पकड़ते हैं और भाई उसे काट काट के कुछ बनाते हैं आज, जिससे हम लोग थोड़ा सर्वाइव कर सकें। भाई यार ये हम लोग यार इसके पॉटी के आसपास आ गए, तो चलो इसी वाले पेड़ को हम लोग काटना शुरू करते हैं। और भाई यहाँ पे तो फ्रैंकलिन इसे काटना शुरू कर दिया, लेकिन मेरे ख्याल से भाई थोड़ा टाइम लगेगा यार इसे काटने में। तो गाइस यहाँ देख सकते हो कि एक वुड आ चुका है हमारे पास और अब भाई हम लोग इस बड़े वाले को कलेक्ट करते हैं। तो गाइस इसे भी काटना शुरू करते हैं। फ्रैंकलिन एकदम जार लगा दो अपना, एंड इस पेड़ से तो भाई टोटल 8 वुड्स हुए हैं हमारे पास। गाइस यार क्या बात है, हमारे पास अब टोटल 9 हो चुके हैं। तो ऐसे ही हम लोग कुछ और कलेक्ट करते हैं। तो भाई यहाँ आस पास के हमने काफी सारे पेड़ को काट लिया है और अब हमारे पास टोटल भाई 29 वुड्स हो चुके हैं। तो भाई इससे अब हम लोग कुछ बना सकते, तो ऐसा करते हैं एक चेयर सबसे पहले यहाँ बैठने के लिए तैयार करते हैं। तो गाइस हमने यार ये चेयर एक बनाया है और ये गन भाई मुझे इस बक्से में मिला है जो ये यहाँ रखा हुआ है। तो भाई इससे हम लोग एक हेल्प कर सकते हैं यार, हमारे लिए कोई तो आ सकता है। तो गाइस यहाँ देख सकते हो यार ऊपर शायद से ये प्लेन वगैरह कुछ गई है, तो हम लोग भाई ये फायर वर्क चलाते हैं ताकि भाई अगर आस पास कोई शिप वगैरह हमें देखे तो गाइस वो हमें बचा सके आके। तो यहाँ हमने भाई 2-3 चला दिया है एंड अब देखो भाई शायद से कोई आ जाए। तो गाइस इस वीडियो के लिए अब हम लोग बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हो कि क्या कोई आता है फ्रैंकलिन को बचाने, तो कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 लिख देना। यहाँ पे ये खाना तैयार हो गया है, अब फ्रैंकलिन खा के दोबारा सोएगा। तो गाइस इस वीडियो पे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं एक और ऐसी अमेजिंग वीडियो के साथ, टिल देन कीप प्लेइंग।